नमस्कार, मैं हूं पुनीत सैनी और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी और लेकर हाजिर हूं आपके लिए देश प्रदेश की बड़ी खबरें। चलिए नजर डालते हैं ताजा हेडलाइंस पर। निर्भया के दरिंदों को 20 मार्च को होगी फांसी। संसद में हंगामा, 7 कांग्रेस सांसद निलंबित। आरबीआई को झटका, डिप्टी गवर्नर ने दिया इस्तीफा। सैलरी वालों को झटका, पीएफ के पैसे पर ब्याज दर घटकर हुई 8.5%। दिल्ली हिंसा में 2 और नए वीडियो आने से मामला गरमाया। जेट एयरवेज पूर्व मालिक नरेश गोयल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने हिरासत में लिया, घर पर छापा। हरियाणा में वंचित एससी जातियों को शिक्षण संस्थानों में 20% आरक्षण। बिग बाजार को ग्राहक से कैरी बैग के 24 रुपए वसूलना पड़ा महंगा। खरड़ हाईवे पर भयंकर हादसा, बलेनो कार ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। बदलेगा मौसम का मिजाज, अगले 3 दिन बारिश के आसार। शहरी प्रॉपर्टी के प्रबंधन व तब्दीली के लिए नया कानून, झुग्गी वालों को भी मिलेगा स्वामित्व का अधिकार। महिला क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास, वर्ल्ड कप फाइनल में जगह पक्की। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पहली बार होली की छुट्टियों के दौरान काम करेगी अवकाश पीठ। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने निर्भया के दोषियों को फांसी देने के लिए 20 मार्च की तिथि निर्धारित कर दी है। अब इनके बचाव का कोई रास्ता नहीं रहा। चारों ही दोषियों को 20 मार्च को सुबह 5:30 बजे फांसी दी जाएगी। दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर गुरुवार को भी संसद में हंगामा हुआ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 7 कांग्रेस सांसदों को बुरे आचरण के लिए निलंबित कर दिया। इन सांसदों को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित किया गया है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एनएस विश्वनाथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अभी उनका 6 महीने का कार्यकाल बाकी था। 1 साल के अंदर यह तीसरी बार है कि आरबीआई के किसी उच्च अधिकारी ने त्यागपत्र दिया है। केंद्र सरकार ने सैलरी वालों को झटका देते हुए उनके पीएफ के ब्याज की दर 8.65% से घटाकर 8.5% कर दी है। इसका निर्णय लेबर मिनिस्टर की अध्यक्षता में हुई ईपीएफओ बोर्ड की बैठक में लिया गया। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें बेकाबू भीड़ डीसी पर पथराव करती हुई नजर आ रही है। इस मामले में अभी तक 2 वीडियो सामने आए हैं, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने भी सही करार दिया है। ये वीडियो 24 फरवरी के बताए जा रहे हैं। जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को घंटों पूछताछ के बाद ईडी ने बुधवार रात उन्हें हिरासत में ले लिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने धन शोधन मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल और कुछ अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हरियाणा विधानसभा में अनुसूचित जाति वर्ग की 36 वंचित जातियों के युवा छात्रों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। इन जातियों के छात्रों को अब उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के दाखिलों में 20% अलग से आरक्षण मिलेगा, जो कि एससी वर्ग के कुल 50% आरक्षण के दायरे में होगा। बिग बाजार में सामान खरीदने आए ग्राहक से कैरी बैग के लिए 24 रुपये वसूल करना काफ़ी महंगा पड़ा है। अब कंज्यूमर फोरम ने ग्राहक की शिकायत पर सुनवाई करते हुए बिग बाजार को दोषी पाते हुए 5,000 रुपये कंज्यूमर लीगल एंड अकाउंट में जमा कराने का आदेश दिया है। खरड़ में हाईवे पर खालसा ढाबे के सामने बलेनो कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लगा। मौसम एक बार फिर करवट लेगा। पंजाब हरियाणा के साथ चंडीगढ़ शहर में हल्की बारिश हो सकती है। बारिश के साथ तापमान में भी हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। शहर का अधिकतम तापमान 23 और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री तक रहने की संभावना है। सरकार ने पंजाब मैनेजमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ म्यूनिसिपल प्रॉपर्टी एक्ट 2020 भी पास कर दिया है। पिछले समय में शहरी प्रॉपर्टी अलॉटियों और किराएदारों को ट्रांसफर या किराए पर दी गई थी, लेकिन इसके लिए कोई कानून नहीं था। अब विधानसभा में म्यूनिसिपल प्रॉपर्टी एक्ट पास किए जाने के बाद नगर निगम नगर काउंसिल अपनी प्रॉपर्टी को लेकर फैसला ले सकेंगे, जिससे झुग्गी वालों को स्वामित्व का अधिकार मिल जाएगा। महिला T20 वर्ल्ड कप में भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल बारिश के कारण रद्द हो गया। भारतीय टीम पहली बार फाइनल में पहुंच गई है। मैच रद्द होने के बाद भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर और इंग्लैंड के कप्तान हीदर नाइट ने निराशा जाहिर की। कहा सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे होना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही, फिर लौटूंगा देश प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें लेकर। देखते रहिए अर्थ प्रकाश टीवी। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।